हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चिरणप्रभा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और ये जो है वो उसका पार्ट 8 है। और पार्ट 7 तक के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और उनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, आप वहाँ से जाके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड सारे जो नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप वहाँ से जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी जो लिंक है टेलीग्राम की वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लास्ट की वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़े थे और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में देखा था, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डायोड्स, जिसके अंदर हम ज़ीनर डायोड और LED वगैरह डिस्कस करेंगे और ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ डायोड्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने डायोड के बारे में डिटेल में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि डायोड एज रेक्टिफायर, जैसे मतलब डायोड को हम रेक्टिफायर जैसे यूज़ कर सकते हैं, और वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में एप्लीकेबल होता है और ना ही रिवर्स बायस में। तो फ्रेंड्स, आज हम उसके कुछ और यूजेस देखने वाले हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ डायोड्स, वो जो सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं वो रेक्टिफायर डायोड की तरह यूज़ किए जा सकते हैं, साथ ही ज़ीनर डायोड्स, LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, वेनेक्टर डायोड, शॉर्टके डायोड और टनल डायोड। इस तरह से बहुत से तरह के डायोड्स होते हैं जो हम स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए हम उसको उसका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज़ीनर डायोड और LED। और जो फोटो डायोड है वो पोर्शन से डिलीट हो चुका है, लेकिन वो भी बहुत सिंपल है, तो वो भी हम इन शॉर्ट डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डायोड्स हमें पढ़ने हैं, और इसके बाद हम ट्रांसिस्टर्स पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं ज़ीनर डायोड के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि रेक्टिफायर में डायोड जो था वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करा था, लेकिन जो ज़ीनर डायोड होता है उसके अंदर जो हम डायोड यूज़ करते हैं वो रिवर्स बायस में ही काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। ज़ीनर डायोड इज़ डिज़ाइंड टू स्टेबलाइज वोल्टेज, वो वोल्टेज को स्टेबलाइज करने में काम आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वी यूज़ ज़ीनर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। सिमिलरली इट इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि रेक्टिफायर में फॉरवर्ड बायस था तो ज़ीनर डायोड में रिवर्स बायस होता है। बाय एडजस्टिंग द डोपिंग लेवल, ज़ीनर डायोड्स ऑफ डिफरेंट वोल्टेजेस फ्रॉम 2 वोल्ट टू 200 वोल्ट विद डिफरेंट वोल्टेज आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि इसका वोल्टेज का रेट दिया है कि कितने वोल्ट से कितने वोल्ट तक हम इसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। साथ ही हम ये अलग वोल्टेजेस कैसे बनाएंगे, बाय एडजस्टिंग डोपिंग लेवल। और डोपिंग क्या होता है वो हमने अच्छे से लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके आगे बढ़ते हैं। ये फिगर में हमें बताया है कि ऑपरेटिंग IV यानी कि करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताया है, और यहाँ पे उसका सिंबल भी दिया है कि किस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। द ज़ीनर डायोड इज़ यूजफुल इन वर्किंग इन रिवर्स बायस ओनली एंड इन फॉरवर्ड बायस इट कंडक्ट्स एज रेक्टिफाइंग डायोड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर हमने रिवर्स बायस में डायोड को लगाया तो वो ज़ीनर डायोड की तरह इस्तेमाल में आता है, और अगर हमने उसको रेक्टिफायर मतलब अगर रिवर्स बायस में लगाया, फॉरवर्ड बायस में लगाया, तो वही ज़ीनर डायोड जो पहले रिवर्स बायस में लग रहा था तो वो हम उसे रेक्टिफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है ज़ीनर डायोड, और इसका ये सिंबल होता है, यानी कि ज़ीनर डायोड में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ये, और ये जो है वो उसका नेगेटिव टर्मिनल है, और ये जो है हमने देखा था डायोड के सिंबल में कि ये जो था वो नेगेटिव टर्मिनल था और ये जो था वो पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो ये उल्टा काइंड ऑफ कनेक्शन हुआ, इसलिए हम कहते हैं रिवर्स बायस। तो आप इसका सिंबल देख सकते हो, ये कैथोड यानी कि नेगेटिव और एनोड यानी कि पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव, तो इस तरह से हमने इसे कनेक्ट कर लिया। और फ्रेंड्स, इसका और डिटेल में जानते हैं। As shown in the figure, a reverse bias voltage is applied across the zener. Initially, as voltage across the zener increases, the current through the zener is very small and particular voltage Vz zener goes into breakdown. यानी कि फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर हम वोल्टेज इसका बढ़ाते रहेंगे तो जो करंट हमारे पास अवेलेबल होगा वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा, और हम अगर करंट वोल्टेज जो है अगर हम वोल्टेज बहुत बढ़ाते रह जाएंगे तो करंट का वैल्यू थोड़ा बढ़ते बढ़ते एक तरह मतलब एक वैल्यू पर वो स्टेबलाइज हो जाएगा, और इसके आगे जो करंट है वो नहीं बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमने और ज़्यादा वोल्टेज अगर बढ़ाने की कोशिश की तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। एज दस वोल्टेज करंट थ्रू द ज़ीनर डायोड सडनली इंक्रीजेस बट द वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि
वोल्टेज जो है, करंट जो है वो जेनर के अंदर इंक्रीज करते रहता है, लेकिन वोल्टेज जो है इसका कॉन्स्टेंट रहता है। फॉर फर्दर इंक्रीज इन वोल्टेज जेनर कीप्स वोल्टेज अक्रॉस इट कॉन्स्टेंट एंड इट ड्रॉस मोर करंट थ्रू इटसेल्फ। तो फ्रेंड्स, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते रह जाएंगे तो करंट धीरे धीरे करते बढ़ते जाएगा। और फ्रेंड्स, जब ये जीनर डायोड के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो होते रहेगा तभी जो है वो वोल्टेज उसका वैल्यू को कांस्टेंट रखेगा और वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा वोल्टेज का वैल्यू, और करंट का वैल्यू धीरे धीरे करते इंक्रीज होते रहेगा। तो फ्रेंड्स, वही हमें बेसिकली बस इतना याद रखना है कि अगर हमने जो वोल्टेज है जीनर डायोड का, अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते गए हम, तो क्या होता है कि करंट का जो वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो अगर हमने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत स्लो अमाउंट में करंट बढ़ते रहता है। और भले ही हम वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाएं, तो क्या होता है कि जब भी हम वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाते हैं तो एक हद तक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसे हम नी पॉइंट कहते हैं, कि जहाँ पे वोल्टेज जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज कॉन्स्टेंट हो गया है, वी जेड यानी कि जीनर डायोड का वोल्टेज, और हम देख सकते हैं कि करंट अभी भी बढ़ रहा है और ये जो भी मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन जो करंट का फ्लो है वो धीरे धीरे करते बढ़ते जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, इसका एप्लीकेशन भी इस तरह से कुछ है कि जीनर डायोड्स आर यूज्ड इन डीसी पावर सप्लाईज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कॉन्स्टेंट रह रहा है, तो वो रेगुलेट करता है बेसिकली वोल्टेज को, और इन स्पेशल सर्किट्स टू स्टेबलाइज द वोल्टेज। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वो वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, तो वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज़ हम कर सकते हैं उसे, और वो बेसिकली डीसी पावर सप्लाईज में यूज़ होता है जिसके अंदर वोल्टेज का ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये रहा जीनर डायोड का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जीनर डायोड का वर्किंग कंस्ट्रक्शन और उसका सिंबल और उसके एप्लीकेशंस समझ में अच्छे से आ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे और सेकंड उसका एप्लीकेशन यूज़ हम डिस्कस करते हैं, जो कि है एलईडी। तो फ्रेंड्स, एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, जो हमने सबने देखा होगा। दिस डायोड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिकेटर्स एंड डिस्प्लेज, ये तो हम सब जानते हैं। एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड विद गैलियम जीए और आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस इंस्टेड ऑफ सिलिकन एंड जर्मेनियम। तो फ्रेंड्स, ये जो है सारा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इन डिटेल, जो भी हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, एलईडी के अंदर सिलिकन और जर्मेनियम हम मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन उसके जगह पे इससे वो रिप्लेस किए जाते हैं किससे, गैलियम आर्सेनिक और फॉस्फोरस से। तो फ्रेंड्स, ये तीन एलिमेंट्स से हमारा एलईडी बनता है। व्हेन द लाइट एमिटिंग डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस इट एमिट्स लाइट इंस्टेड ऑफ हीट जनरेटेड इन नॉर्मल डायोड। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, नॉर्मल डायोड के अंदर जब भी हम उसको कनेक्ट कर देते हैं और उसके थ्रू उसको बायस कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर वोल्टेज जब हम प्रोवाइड करते हैं, तो उससे जो नॉर्मल डायोड होता है उससे हीट जनरेट होता है। लेकिन एलईडी के अंदर क्या होता है, जब भी हम उसको फॉरवर्ड बायस में बायस कर देते हैं, तो उसके अंदर से लाइट एमिट होता है और ना ही हीट, तो हीट के रिप्लेसमेंट लाइट से होती है। व्हेन पीएन जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस इन केस ऑफ एलईडी, सम ऑफ द होल्स कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन रीजन एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन कंबाइन विद द होल इन पी रीजन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम इसे फॉरवर्ड बायस में कर देते हैं एलईडी को, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड को, तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि यहाँ पे सारे होल्स थे, यानी कि जो पी टाइप में था वो पी रीजन में, और एन रीजन में यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को शेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि जब भी हम इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से जो होल्स हैं पी रीजन से वो एन रीजन में जाते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन रीजन से पी रीजन में आते हैं, तो इस तरह से वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते रहते हैं। ईच रिकॉम्बिनेशन रेडिएट्स लाइट और फोटोन। तो जब भी एक ऐसा रिकम्बाइन हो गया, तो एक जो भी इलेक्ट्रॉन या फिर होल दूसरे तरफ जाता है, तो एक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, और एक रिकॉम्बिनेशन जब भी होता है तभी लाइट जो है वो रेडिएट होती है, एमिट होती है, और लाइट के पार्टिकल्स को हम फोटोन बोलते हैं। एलईडीज आर अवेलेबल इन रेड, ग्रीन एंड येलो, और बहुत से कलर्स में भी अभी वो अवेलेबल होते हैं। अब हम इसके एप्लीकेशन यूजेस पर लेते हैं। दे आर यूज्ड सेवन सेगमेंट डिस्प्लेस एज पैनल इंडिकेटर्स इन वॉचेस, हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं। कैलकुलेटर्स में भी एलईडी का यूज़ होता है, डिजिटल मीटर्स एंड एज अ स्विच ऑन इंडिकेटर्स और ऑन पावर सप्लाई पैनल्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम
डेली लाइफ एग्जांपल ली तो हमारे जो चार्जर्स होते हैं जब हम कनेक्ट करते हैं तो जो चार्जर होता है उसके ऊपर रेड कलर का एलईडी जो है वो छोटा सा कनेक्टेड होता है इंडिकेट करने के लिए। तो वो इंडिकेटर्स जब भी स्विच ऑन होता है तो वो इंडिकेट करने के लिए छोटे छोटे एलईडीज जो है वो बहुत जगह पे यूज़ किए जाते हैं। अ सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन एलईडी टू लिमिट द करंट, क्योंकि अगर हम करंट का फ्लो ज़्यादा उसके अंदर होने देते हैं डायोड के अंदर तो हमारा एलईडी जो है वो डैमेज हो सकता है, इसलिए हमें कुछ रेजिस्टेंस वहाँ पे उसके अंदर फिट करना होता है ताकि करंट का फ्लो लिमिटेड ही फ्लो हो जाए। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय ओम्स लॉ, जो कि हम जानते हैं आर इक्वल्स टू वी बाय आई। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम पढ़ते हैं फोटो डायोड। बेसिकली ओम मेथड है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या होता है कि जब भी लाइट इसके अंदर इंसिडेंट होती है तो वो कंडक्ट करने चालू हो जाता है। तो एलईडी में क्या था कि वो लाइट जब भी हम उसको वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तब वो लाइट एमिट कर रहा था, लेकिन इसके अंदर उल्टा केस है कि लाइट जब भी इसके ऊपर गिरेगी तो इंसिडेंट होगी तब वो कंडक्ट करना चालू हो जाएगा। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड विद कैंडियम सेलेनाइड, यानी कि ये एलिमेंट है उनका कॉम्बिनेशन से ये बनता है कैंडियम सल्फाइड, यानी कि CDS ये कैपिटल है सल्फाइड, इन एडिशन टू जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ ये इनका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है फोटोडायोड बनाने के लिए। द करंट थ्रू फोटोडायोड डिपेंड्स अपॉन द लाइट इंटेंसिटी, जितना ज़्यादा लाइट उसके ऊपर गिरेगा उतना ज़्यादा वो कंडक्ट कर पाएगा। और फोटोडायोड नॉर्मली रिवर्स बायस में ही हम उसको बायस करते हैं रिवर्स कंडीशंस में। व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू लाइट ड्यू ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, मतलब ड्यू टू एनर्जी ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड एंड देयरफॉर करंट फ्लोज थ्रू इट। तो जब भी लाइट उसके ऊपर गिरती है सेम कंडीशन होती है जिस लाइक एलईडी के रिकॉम्बिनेशंस होते हैं और हमारे पास जो वो फोटोडायोड है वो कंडक्ट करने चालू हो जाता है। और इसका एप्लीकेशन है कंप्यूटर पंच कार्ड्स में, लाइट डिटेक्टर्स में, साउंड रिप्रोडक्शन ऑफ फिल्म प्रोजेक्टर्स में और लाइट ऑपरेटेड स्विचेस में इसका यूज़ होता है। वैसे ही तो ये एमिटेड ओमिटेड है और छोटा सा पार्ट है तो मैंने बता दिया। तो कंपैरिजन बेसिकली ये जो है वो इसका ही है, इसका सिंबल इस तरह से दिया है। एलईडी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हम इसे फिजिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं। एलईडी इट एमिट्स लाइट व्हेन इट कंडक्ट्स, इट इज़ ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस, ये हम लोग को याद रखना है। और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, हम देख सकते हैं कि यहाँ से लाइट एमिट हो रही है और यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है लाइट। लाइट इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन करंट थ्रू इट, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा लाइट हमें मिलेगा। इट इज़ यूज्ड इन इंडिकेटर्स और डिस्प्लेस एंड द मटेरियल यूज्ड इज़ गैलियम आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस एज वी डिस्कस्ड अबाउट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको एलईडी और जीनर डायोड दोनों भी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं ट्रांसिस्टर्स, और ट्रांसिस्टर्स भी बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसिस्टर नाम है वो दो वर्ड से बना है, दो टर्म से, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर्स यानी कि ट्रांस यानी कि ट्रांसफर और सिस्टर्स यानी कि रेसिस्टर्स से ये नाम लिया है। तो ट्रांसिस्टर्स जो है वो ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर से ये हम बनाते हैं बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस ट्रांसफर्स फ्रॉम वन वैल्यू टू द अदर वैल्यू डिपेंडिंग ऑन इट्स बायस, यानी कि जिस तरह से हम उसे बायस करते हैं फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, उसके बायस के हिसाब से जो है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू तक हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द करंट थ्रू ट्रांसिस्टर इज कंट्रोल्ड बाय बायस, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी होते जाएगा और उसी तरह से करंट का वैल्यू भी सिमिलरली वेरी होते जाएगा, क्योंकि बाय ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर, तो वहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आती है। बाइपोलर मींस बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन कैरिंग द करंट थ्रू ट्रांसिस्टर एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज बाइपोलर ट्रांसिस्टर्स। तो हम ये वर्ड फ्रीक्वेंटली अब यूज़ करेंगे बाइपोलर ट्रांसिस्टर्स, और बाइपोलर का मतलब क्या है कि जो हम ट्रांसिस्टर यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स और होल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। The transistor also is PN device, यानी कि positive negative type of diodes जैसे हमने पढ़े थे last lectures में, but with two PN junctions and three terminals। तो ये जो transistors होते हैं उनके अंदर दो PN junctions लगे हुए होते हैं और तीन terminals होते हैं। तो वो तीन terminals कौन से होते हैं, एक तो
एमिटर होता है, एक बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। और ये जो जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी उसको एम्पलीफायर और स्विच के जैसे यूज़ करेंगे ट्रांसिस्टर्स को, तब हम इसी के अंदर वेरिएशंस कर रहे होंगे और फिर उसके हिसाब से हमें चेंजेस दिखाई देते होंगे। तो फ्रेंड्स, एमिटर में क्या होता है? एमिटर नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इसका प्रोसेस क्या होगा। इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स, एमिटर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना। बेस जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कंट्रोल करता है। सिमिलरली कलेक्टर भी नाम से हमें पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये इसके वेरिएशन से हमें अलग अलग इसके एप्लीकेशंस मिलते हैं। देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ बाइपोलर ट्रांसिस्टर्स, एक होता है NPN और एक होता है PNP। तो इन दोनों को भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके पहले हम उनका स्ट्रक्चर सिंबल सीख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, मतलब ये है NPN यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से ये ट्रांसिस्टर है NPN ट्रांसिस्टर, और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। हम देख सकते हैं कि इसके 1, 2 और 3 टर्मिनल्स हैं, और जब भी हम उसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि दो कंबाइन करके हम किस तरह से वेरिएशंस लाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे PNP है, और ये दोनों भी जो है वो एमिटर है, ये जो है वो बेस है और ये कलेक्टर है। इस तरह से दोनों में भी आप देख सकते हैं। और NPN में क्या होता है कि ये सारे N में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और P में होल्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे P में मेजॉरिटी में यहाँ पे होल्स होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ पे N में नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आप इसका सिंबल भी देख सकते हैं, ये NPN का है और ये PNP का है। और मैं आपको एक यहाँ पे बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ इसे समझने की, इनका सिंबल्स याद रखने की बेसिकली, क्योंकि जब हम आगे और भी इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये जो है वो एरो जो है वो किस तरफ होता है, और इससे क्वेश्चंस भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं कि इसका सिंबल कैसे है और वर्किंग वगैरह। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है N यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं NPN ट्रांसिस्टर्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम E को, भले ही वो यहाँ पे एमिटर है, लेकिन हम E को इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ वो पॉइंट कर रहा होगा। और फ्रेंड्स, PNP जो है वो टोटली इसका अपोजिट होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये एमिटर जो है वो बेसिकली यहाँ पे एमिटर है, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मान रहे हैं E के लिए और हमारे कन्वीनियंसी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दूर भाग रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है और मेजॉरिटी जो है वो होल्स का है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सिंबल्स अब अच्छे से याद हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। ट्रांसिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 सेमीकंडक्टर रीजन्स, और जो ट्रांसिस्टर्स होते हैं जो कौन से सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने होते हैं। तो इसमें एमिटर जो ट्रांसिस्टर है उसके अंदर एमिटर जो है वो हैवीली डोप्ड होता है और उसका साइज मीडियम होता है। सिमिलरली जो बेस है वो लाइटली डोप्ड होता है एंड थिन इन साइज, और कलेक्टर जो है वो मीडियम डोप्ड होता है और लार्ज इन साइज। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि हम ये याद किस तरह से रखें कि कौन हैवीली डोप्ड है और कौन किसका साइज कैसा है और किस तरह से वो डोप किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैं आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली याद रख सकते हैं इसे। बेसिकली जब हम एमिटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वो हैवीली डोप्ड है। एमिटर को हम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जैसे कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जब भी हमें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, एमिटर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना, तो फ्रेंड्स अगर हमें ज़्यादा कंडक्शन चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए, तो हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना होगा। तो फ्रेंड्स, वो हम जो उसका कंडक्शन है वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं, बाय डोपिंग। तो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इसको डोप कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ज़्यादा चाहिए और कंडक्शन भी ज़्यादा चाहिए। तो फ्रेंड्स, एमिटर जो है वो हैवीली डोप्ड होता है और मीडियम इन साइज़ होता है। जो हैवीली डोप्ड है वो मीडियम इन साइज़ है, और जिसका साइज़ ज़्यादा है वो मीडियम डोप्ड है। तो हम इसका जो है वो इस तरह से याद रख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको कलेक्टर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कलेक्टर जो है वो इसका टोटली अपोजिट काइंड ऑफ है, और ये हैवीली डोप्ड है तो ये मीडियम डोप्ड है, और अगर इसका साइज़ ये चूँकि ज़्यादा डोप्ड है तो वो मीडियम साइज़ का होगा। और ये कलेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा होता है, तो इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कलेक्टर है वो लार्ज साइज़ होता है और मीडियम डोप्ड होता है।
तो फ्रेंड्स बेसिकली आपको याद रखना कि एमिटर जो है हेवीली डोप्ड होता है और इसका उल्टा जो है आपको साइज़ याद हो जाएगा, और कलेक्टर जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करता है तो उसका साइज़ भी तो बड़ा होना चाहिए, एज कंटेनर काइंड ऑफ हम समझ सकते हैं। तो अगर साइज़ ज़्यादा है तो वो मीडियम डोप्ड हो जाएगा। और बेस में आपको इस तरह से समझाना चाहती हूँ, पहले पढ़ लेते हैं कि वो लाइटली डोप्ड होता है और इसका साइज़ भी थिन होता है। तो फ्रेंड्स ये सिंबल जो है वो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो अगर हम इससे हैवी, अगर हम किसी को हैवी और किसी को लाइट बोल रहे हैं, मीडियम बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये लाइटली डोप्ड होगा। सिमिलरली हम यहाँ पे इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये जो बेस है, बेस एक लाइन की तरह है और लाइन से जो है वो हम लाइट को थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। लाइन और लाइट थोड़ा बहुत रिलेटेबल है, तो बेस जो है इसका सिंबल से ये लाइन है तो ये लाइटली डोप्ड हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि ये लाइंस भी बहुत थिन है तो ये थिन इन साइज़। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम याद रख सकते हैं, वैसे बहुत ईजी है ये। तस ट्रांजिस्टर हैज़ टू पी एन जंक्शन डायोड्स, जैसे कि हम देखें कि दो पी एन जंक्शन डायोड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये किस तरह से होता है कि पहले एमिटर बेस ई बी होता है और बेस कलेक्टर बी सी होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसे क्लासीफाई किया जाता है, ई बी यानी कि एमिटर बेस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और बेस कलेक्टर यानी कि बी सी, इस तरह से। तो फ्रेंड्स लेट अस सी द प्रॉपर मेथड ऑफ बायसिंग द एन पी एन ट्रांजिस्टर। एज सून एज ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड टू पोटेंशियल बैरियर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर बन जाता है दो पोटेंशियल बैरियर्स जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक तो होता है, वन इज़ बिटवीन एमिटर एंड बेस, जैसे हमने डिस्कस किया था एमिटर बेस के बीच में एक बन जाता है पोटेंशियल बैरियर, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पोटेंशियल बैरियर है, और फिर एमिटर बेस के बीच में एक पोटेंशियल बैरियर यहाँ कहीं बन जाता है। और हम कंटिन्यू करेंगे तो एक पोटेंशियल बेस और द अदर इज बिटवीन द बेस एंड कलेक्टर, तो इसके बीच में बी सी के बीच में एक पोटेंशियल बैरियर होता है, ई बी के बीच में एक होता है। टू गेट ई सी करंट फ्लो थ्रू ट्रांजिस्टर इट मस्ट बी बायस्ड बाय कंडक्टिंग एक्सटर्नल डी सी सप्लाई, यानी कि अगर हमें करंट का फ्लो यहाँ पे आसानी से होना चाहिए तो हमें डी सी सप्लाई से एक्सटर्नली उसको सप्लाई देना होगा, उसको वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा एक्सटर्नली डी सी सप्लाई से। बायस का मतलब है वोल्टेज प्रोवाइड करना। हैंस द मस्ट बी टू बैटरीज, तो हमें बाहर से चूँकि हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे होंगे तो डायोड के वर्किंग के लिए दो बैटरीज की ज़रूरत होगी। टू अप्लाई द बायस अक्रॉस पहले तो ई बी के बीच में और बी सी के बीच में, वी कैन बायस दीज टू जंक्शंस इन थ्री डिफरेंट वेज। तो पहला वे जो है वो है एफ एफ बायस, यानी कि दोनों भी जो जंक्शंस हैं, जो हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल बैरियर, तो पोटेंशियल बैरियर को हम जंक्शंस भी कहते हैं, तो ये हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था डिप्लीशन रीजन जो उनके बीच फॉर्म होता है। तो पहला ये यहाँ पे दो डिप्लीशन रीजन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो पहले कंडीशन में जो हम कह सकते हैं कि हम दोनों को भी फॉरवर्ड बायस में फ्लो होने दे रहे हैं, यानी कि एफ एफ बायस, और दूसरा जो है वो आर आर बायस है, यानी कि दोनों भी जो है वो रिवर्स बायस में है। और थर्ड कंडीशन जो है वो है एफ आर बायस, यानी कि कोई भी उसमें से मतलब ये दोनों में से यदि ये फॉरवर्ड होता है तो दूसरा रिवर्स हो जाएगा। इस तरह से एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स में हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास दो जंक्शंस होते हैं और इनके कनेक्शंस के तीन डिफरेंट वेज इस तरह से होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा यहाँ तक जो हमने सारा डिस्कस किया है ट्रांजिस्टर्स के बारे में। और यदि आप इसे एक दो बार रीड कर लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसके पीडीएफ्स भी टेलीग्राम ग्रुप पे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका जो कंटिन्यूएशन है, यानी कि जो हमने थ्री कनेक्शंस उसके सीखे, थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, तो वो हम अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इसके बाद जो है वो हम ट्रांजिस्टर या स्विच और ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर और इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हम डिटेल में कवरअप करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।